हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पे एक चेक इन है, यहां से चेक इन से हमें निकलना पड़ता है और हम लोग इस चेक इन से बाहर आ चुके हैं। और आप देख सकते हो, ये है मेरे सामने गेटवे ऑफ इंडिया। सुबह का समय है, 8 बजे का समय है, और फिर भी आप देख सकते हो कि 8 बजे के समय में यहाँ पे पब्लिक का क्राउड देखिए। और पब्लिक यहाँ पे सुबह 6 बजे से 5 बजे से आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ का व्यू। दोस्तों, जब आप गेटवे ऑफ इंडिया आते हो तो यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। कई लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे लोग सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया समझते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ देखिए, वो एक बोट अभी निकली है, जो बोट आप देख सकते हो पूरी भरी हुई है। ये देखिए, मैं झूम करके दिखाता हूँ क्योंकि मैं दूर हूँ। ये बोट अभी निकल गई है और वो बोट पूरी भरी हुई है। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ झूम करके, पूरी भरी हुई है ये बोट और ये जा रही है मेरे ख्याल से वो अलीबाग के लिए। और यहाँ से लोगों की एक लाइन लगी है और ये लाइन जो है ये है एलिफेंटा के लिए। यहाँ से आप एलिफेंटा जा सकते हैं। देखिए, पूरी लाइन यहाँ से पूरी लाइन लगी है, ये एलिफेंटा के लिए लाइन है। यहाँ से लोग जाते हैं एलिफेंटा घूमने के लिए, जो कि सुबह जाते हैं और दोपहर तक 2-3 घंटे में आप आ जाते हैं। देखिए, ये बोट आ रही है अभी। जितने लाइन में लोग खड़े हैं, सब लोग इसी बोट के अंदर में बैठेंगे और जाएंगे एलिफेंटा। ये देखिए, यहाँ पे एलिफेंटा के लिए लाइन लगी हुई है और अभी इस बोट को यहाँ पे लगाया जाएगा। ये देखिए, और फिर इसके अंदर में लोग चलेंगे। ये दोस्तों देखो, लाइन खड़े क्राउड देखिए, किधर तक लाइन है। ये देखिए, पहले यहाँ देखिए, ये पूरा वहाँ तक लाइन लगा हुआ है और ये सारे लोग एलिफेंटा के लिए जा रहे हैं। और एलिफेंटा में देखने के लिए गुफाएं हैं, जो लोग वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं, कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे और इन्जॉय करते हैं। ये देखिए, अभी सब लोग इसके अंदर जाएंगे, अभी लाइन से नंबर बाय नंबर इसमें छोड़ा जाएगा। इधर दिखा दूं मैं आपको बोर्ड, देखिए कितनी लाइन से यहाँ पे खड़ी है। देखिए, ये जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये सब बोर्ड है। कुछ बोर्ड इसके अंदर में है एलिफेंटा के लिए, कुछ बोर्ड इसके अंदर में है यहाँ पे एक राउंड मार के लेके आते हैं, और कुछ बोटें ऐसे हैं जो जाती है यहाँ से अलीगढ़। यहाँ पर देखिए, और ये देखिए, ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है, लोग ऊपर भी जाने लगे हैं। यहाँ से देखिए, लोग अंदर जाना शुरू कर दिए और इसके अंदर में लोगों की लाइन स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, लोग जाना शुरू कर दिए। ऊपर का चार्जेस कुछ अलग होता है, नीचे का कुछ चार्जेस अलग होता है, क्योंकि ऊपर अगर आप जाके बैठोगे तो ऊपर का कुछ 10 रुपया या 20 रुपया कुछ अलग लेते हैं लोग, लेकिन नॉर्मली अगर नीचे बैठोगे तो जो टिकट है उसी के ऊपर में आप जा सकते हैं। ये देखिए, एक एक लोग को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग नीचे बैठ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे और कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है होटल, जो कि मैं आपको बतला दूँ, ये है ताज होटल, जो कि नया ताज, और ये है पुराना ताज, जिसके ऊपर में अटैक हुआ था, जो कसाब का जो ग्रुप आया था जो अटैक किए थे, ये है वो ताज होटल। ये देखिए, एक बड़ा सा ताज है, इसके साथ में ये एक बड़ी सी लंबी सी बिल्डिंग है, ये भी एक ताज होटल है। और ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया।
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल नीचे, और इसकी ऊंचाई देखिए आप वंडर करोगे, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, ये देखिए। और बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल देखोगे आपके सामने है ये होटल, और ये दोनों ताज होटल है, एक है ओल्ड और एक है न्यू। न्यू मतलब इसको भी बहुत साल हो गए लेकिन न्यू बोलते हैं लोग। ये देखिए दोनों है, कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है आपको दोनों भी आजू बाजू में। और सामने है गेट ऑफ इंडिया, इसके सामने है ताज होटल, बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पे स्पीड बोट भी चलती है, अगर आपको स्पीड बोट, और यहाँ पे कबूतर खाना है, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे कबूतरों को खाना खिलाया जाता है तो उसका नाम हो जाता है कबूतर खाना, यानी कबूतर खाना खाती है। ये देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो लोग लेके आते हैं चने वगैरह, तो चने वगैरह यहाँ पे डाला जाता है। ये देखिए ये आ गए हम लोग कबूतर खाने के पास, जाली लगा दिया है ताकि कोई अंदर नहीं जा सके और उनको डिस्टर्ब नहीं करे। बाहर से आप चना वगैरह आप डाल सकते हो, बाहर से कुछ भी डालोगे चलेगा, लेकिन अंदर अंदर हम लोग नहीं डाल सकते। ये देखिए अंदर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से जूम करके, यह है कबूतर खाना। ये देखिए ये है कबूतर खाना, हजारों की संख्या में यहाँ पे कबूतर मिलेगी। चना चना जवारी यहाँ पे लोग लाते हैं और डालते हैं और फ़ोटो वगैरह लेते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। ये है बिल्कुल ताज होटल के बिल्कुल सामने, और इधर से देखोगे तो इधर से आपको गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको मिलेगा। चलो अभी हम थोड़ा सा उधर और आगे की तरफ चलते हैं और कोशिश करेंगे देखने की कि और यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए एक साइड से यहाँ से रास्ता है और ये है गेट ऑफ इंडिया सामने है मेरे। और अभी देखिए हम लोग चलते हैं बिल्कुल समुंदर के किनारे। ये एक व्यू देखिए दोस्तों, समुंदर का व्यू देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये है देखिए ताज होटल, और व्यू देखिए समुंदर का। ये सब बोटें यहाँ पे लाइन से देखिए ये खड़ी है, और स्पीड बोट इसके पीछे आप देखोगे तो दूर दूर तक आपको बोट ही बोट आपको नज़र आएगा। अभी सुबह का टाइम है फिर भी लाइन से लोग जा रहे हैं, और नहीं तो ये बोट आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी, सब सर्विस पे रहते हैं। देखिए एक स्पीड बोट ये निकल रही है यहाँ से। देखिए अभी हम लोग इस साइड में आ गए हैं समुंदर के साइड में, और ये देखिए बोट जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, पब्लिक इसमें भर गई है। और यहाँ से देखिए हम लोग हैं, और वापसी कैमरे के अंदर में नहीं आ रहा है। देखिए ये गेट ऑफ इंडिया बहुत ही ऊंचा है जो कि कैमरे के अंदर में कवर करना मुश्किल हो गया। तो देखिए पानी वगैरह भी है अंदर आपको मिल जाता है, और ये देखिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।